नमस्कार, वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है। तो क्या व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कुछ चल रहा है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। आप मुझे यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ पर ऑप्शन हैं 121, 125, 129 या फिर 132। तो इसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जो कंफर्म कर रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो यहाँ पर बहुत से लोग रशिया के अंदर और वेस्टर्न कंट्री के कुछ लोग जो जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी नीतियों से जो खुश नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रशिया अटैक करे यूक्रेन के ऊपर। तो इसको एक यूक्रेन वॉर से भी जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक बहुत ही फिल्मी स्टाइल में जो कोई भी नेता होता है अपने साथ कुछ गाड़ियाँ आगे और कुछ गाड़ी पीछे लेके चलता है। तो जो उनकी फर्स्ट एस्कॉर्ट कार थी उसको एक एम्बुलेंस के द्वारा रोक लिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। जो और सेकेंड एस्कॉर्ट कार थी वो बिना रुके किसी ऑब्स्टेकल के कारण चलती ही चली गई। और जो रशियन प्रेसिडेंट जी की कार थी उस पर जो एक लाउड बैंग ने उस पर हिट किया और बाद में वहाँ पर एक स्मोक धुआं ही धुआं फैल गया। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट वाज अनहार्म्ड इन द इंसिडेंट बट द आउटलेट सेड दैट द नंबर ऑफ अरेस्ट हैव बीन मेड। क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी में, इस पूरे असैसिनेशन अटेम्प्ट में बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, तो बहुत सारे अरेस्ट किए गए हैं। अदर बॉडीगार्ड हैव वैनिश्ड अमिड क्लेम दैट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट 69 ईयर ओल्ड रूलर मूवमेंट वाज कॉम्प्रोमाइज। जो इनकी जो एक सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिलीज कर दिया गया और इनकी जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। ये कहना है जर्नल SVR, एक टेलीग्राम चैनल है। इसको इस बात से भी लिंक करके देखा जा सकता है कि कुछ वीक पहले कुछ पॉलिटिशियन थे जिन्होंने डिमांड की थी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से रेजिग्नेशन की, क्योंकि वो खुश नहीं थे कि जो रशिया मिलिट्री लॉस सह रहा है यूक्रेन में। और ये यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कैसे ना कैसे करके व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाना चाहती हैं या फिर उनको मार देना चाहती है ताकि जल्दी से जल्दी यूक्रेन और रशिया वार को रोका जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रशियन मिलिट्री लॉसेज थे और यूक्रेनी मिलिट्री लॉसेज, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्लेम रशिया ने किया है, कुछ क्लेम यूक्रेनियन ने किया है। तो यहाँ पर लॉसेस दोनों साइड हो रहे हैं, पर फिर भी रशिया को यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के पॉलिटिशियन ने डिमांड की कि व्लादिमीर पुतिन को जल्दी जल्दी रिजाइन कर देना चाहिए। और कुछ वीक बाद अभी उन पर फिर से असैसिनेशन अटैक हो गया है। जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को तो उनको ये लाइफ थ्रेट दिए जा रहे हैं। और जो अभी तक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर लगभग 5 असैसिनेशन अटैम्प्ट किए जा चुके हैं और उनमें वो हर बार बच जाते थे। इस बार भी उन पर एक अटैम्प्ट किया गया और लकीली वो इस बार भी बच गए। इन ए सेपरेट पोस्ट सेम सोर्स ने ये क्लेम किया कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनके अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं एलिना कबाइवा जो उनकी लवर है बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो पर ये बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम करने के लिए, तो हम ऐसे अभी तक ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये बिकॉज ऑफ जो टेंशन चली है उन दोनों के बीच उसकी वजह से ये अटैक किया गया है। तो जब से रशिया ने यूक्रेन पर जो मिलिट्री ऑपरेशन किया है तो तब से ही ये एक कोशिश की जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटा दी जाए या उनका असैसिनेशन कर दी जाए और साथ ही में उनके जो करीबी लोग हैं उनको भी हटा दिया जाए। तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर दुगिन जिनको पुतिन्स ब्रेन माना जाता है और पुतिन्स रैस्पुतिन भी कहा जाता है बाई वेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़े सपोर्टर हैं व्लादिमीर पुतिन के, तो उन पर भी एक असैसिनेशन अटैम्प्ट किया गया। पर उनकी जगह उनकी बेटी दारिया दुगिना वो मारी गई। ये रही यहाँ पर BBC की जो कटिंग है। और यहाँ पर अल जजीरा में बोलते हैं, डाइड फॉर रशिया डॉटर ऑफ पुतिन अलाई हेल्ड एज मैटर होता है शहीद। 29 ईयर्स ओल्ड दारिया दुगिना कार में जा रही थी, जो प्लान किया गया था असैसिनेशन का वो किया गया था उनके फादर अलेक्जेंडर दुगिन का, पर बाई चांस वो कार में नहीं थे और उनकी जगह उनकी बेटी दारिया दुगिना मारी गई। और एक फेयरवेल स्पीच में यहाँ पर उनके पिता ने
उनको उनके बारे में कहा कि सी इज़ डाइड फॉर द पीपल एंड डाइड फॉर रशिया, और उनको एक शहीद का दर्जा दिया गया रशिया में। देखिए ये वर्ल्ड जो जितना भी जो कुछ वर्ल्ड में चल रहा है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड की शांति के लिए ठीक नहीं है। अगर बाई चांस व्लादिमीर पुतिन का असैसिनेशन किया गया तो रशिया पीछे नहीं हटेगा और वो और भी ज़्यादा अग्रेसिवली अटैक करेगा पूरे यूरोपियन कंट्री पर, जो बहुत ही ज़्यादा एक डिवास्टेटिंग जो इवेंट होगा, जो वर्ल्ड वॉर 3 की भी स्टार्टिंग कर सकता है। तो हमें चाहिए कि एक साथ मिलकर जो यूएन बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस बनाया हुआ है, वहाँ बैठकर हमें बात करनी चाहिए और इस पूरे जो भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इसको ख़त्म करना चाहिए। और तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो आपका ऑप्शन थी 121, 125, 129 या फिर 132। तो यहाँ पर एक जिसका आंसर है वो है 132। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।